प्यार तूने क्या किया। छवि और सक्षम के बीच नोकझोंक चलती ही रहती थी, पर एक दिन तो हद ही हो गई जब सक्षम छवि के लिए सुंदर फूलों का गुलदस्ता लेकर गया। गुलदस्ता देख छवि ने उसे दूर फेंक दिया और सक्षम को धकेलकर मुंह फेर कर बैठ गई। बस बहुत हुआ, आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? जितना तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तो दूर क्यों चली जाती हो? अगर मैं नहीं हूँ पसंद तो बोल क्यों नहीं देती? बोलो छवि, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक सुंदर कैफे में छवि सूट सलवार पहने घुस रही थी, जहाँ चारों ओर इतने फूल थे जैसे कि बगीचा। छवि के हाथ में आई लव यू का खत था। आज मैं मेरे प्यार जतिन को प्रपोज कर ही दूंगी। तभी छवि की नजर कैफे के सामने वाले टेबल पर पड़ती है, जहाँ जतिन खड़ा था। जतिन तुरंत घुटनों पर आता है, जिसे देख छवि खुश होती है। सोनिया। और वहाँ एक हॉट स्मार्ट सी लड़की जतिन के सामने आती है। जतिन उसे चूम लेता है और फूल देता है। छवि ठीक सामने थी और अपना प्यार लुटते देख रही थी। तभी वहाँ जतिन के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। छवि जाती कि उससे पहले ही छवि का लेटर उड़कर जतिन के पास चला जाता है। अरे दोस्तों, इस बहन जी ने तो मुझे प्रपोज किया है। छवि बेचारी रोते हुए सारे फूलों को कुचलते हुए लौट रही थी। जतिन, ये क्या कर दिया तुमने? उसी दिन छवि ने अपना उन फूलों के साथ साथ अपने दिल जज्बात सब पांव तले कुचल दिए थे। नम आंखों से छवि सक्षम की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए।